मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरोपी छोटे बच्चों को बना रहे हैं अपना निशाना। ताजा मामला थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र का है, जहां पर वाजपेयी नगर मल्टी में मंगलवार के दिन 5 साल की मासूम बच्ची गुम हो गई। वहीं लगातार 26 घंटे प्रयास करने के बाद पुलिस के हाथ बच्ची का शव मिला है। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र के वाजपेयी नगर में एक 5 साल की बच्ची का शव मिला है। बच्ची मंगलवार के दिन दोपहर से गायब हो गई थी, जिसकी सूचना के बाद पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी। पुलिस ने तमाम सर्चिंग करने के तकनीकी उपकरण, डॉग स्क्वाड और तमाम तरह के प्रयास करती रही, लेकिन बच्ची को ढूंढने में असफल रही। आज घर के पास ही के बंद कमरे में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। शव मिलने के बाद रहवासियों में आक्रोश पैदा हो गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर एम्स हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन उसके बाद थाना शाहजहानाबाद को वहां के रहवासियों ने पूरी तरीके से घेर लिया और आरोपी को फांसी देने के नारे लगाते रहे। थाना शाहजहानाबाद के सामने लगभग 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सैकड़ों रहवासियों ने थाने को घेर करके रखा। क्षेत्रीय विधायक आतिफ अकील भी मौके पर पहुंच गए। रहवासियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने कोई सर्चिंग सही से नहीं करी। पुलिस सर्चिंग के नाम पे जीरो रही, क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था बच्ची के घर के बाजू में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी 2 दिन से। पुलिस ने उसको खोलना जरूरी नहीं समझा उस पेटी को, क्योंकि पुलिस वो पेटी खोलती है जहाँ से उनको फायदा मिलता है। पुलिस दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहती है। यहाँ के बीट जो बीट प्रभारी है वहाँ के, वो दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहते हैं। कांस्टेबल से लेकर पूरे पुलिस प्रभारी वहाँ से कितना पैसा आना है, कितना वूली करना है, उसमें सब में इन्वॉल्व रहते हैं। मगर उस बच्ची की पेटी को खोलना इन्हें जरूरी नहीं समझा। 2 दिन से उस बच्ची की लाश पड़ी रही। पुलिस ने बाजू वाले घर को खोल के नहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने हफ्ता वसूली में मगन थी। जी हाँ हाँ, बाजू वाले घर में ही शव मिला। पुलिस ने उस घर को खोलना जरूरी नहीं समझा। वो लोग वही किराए पे रहते थे, वो जिन आरोपी है जो, वो लोग वही किराए पे। जी अब ये तो वही जाने कि उस बच्ची को क्यों मारा उनने। किराएदार थे वो, कोई अभी नए किराएदार आए थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस पूछताछ में पता चलेगा कौन थे, क्या नाम था, किस वजह से मारा, ये पुलिस उनसे पूछताछ में करेगी। अपराधियों को पनाह दे रही है मल्टियों में। मैंने जिला प्रशासन को उसी टाइम सूचित करा और बार बार हम लोगों ने कल से कहा था, कल दोपहर से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो, पड़ोस में देखो। अगर जिला प्रशासन कल सचेत हो जाता तो आज ये नौबत नहीं बनती कि हमें बच्ची की लाश उठाना पड़ता। पुलिस का व्यवहार यूं है, बहुत साफ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है। अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि स्कूल में जब लड़की का रेप हुआ आज से 8 दिन पहले, तो वो मिश्रा जी का स्कूल था, छोटा व्यक्ति था, तो कार्रवाई हो गई। सागर पब्लिक स्कूल में यौन शोषण की शिकायत आई तो मुख्यमंत्री का नहीं आया, क्योंकि वो बड़ों के साथ है। आज एक छोटे परिवार की बच्ची कल से घूमी है, तो मुख्यमंत्री का बयान बना हुआ है, तब एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा, वरना तो ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। ट्वीट पे बेरसिया कलेक्टर पहुंचना है, ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे, और जिला प्रशासन ये बताए क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। उस परिवार को कम से कम वर्तमान में संतावना देना चाहिए, और जितने पीड़ित परिवार हैं इन परिवार का पालन पोषण सरकार को करना चाहिए। मेरी बात देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जातियां हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया। शर्म की बात है सरकार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमिश्नर सिस्टम लागू है यहाँ पर। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे, इन लोगों को होश में आना पड़ेगा। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं, अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए, अपनी सियासत से छोड़ दो, और जिसने भी कराया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मल्टियाँ बना दी गई हैं, कैमरे नहीं है, लाइटें नहीं है, लोगों का कहना है पुलिस बल भी ना के बराबर रहता है। तो ये कमिश्नर सिस्टम देखिए, स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बोल दिया,
अगर आज मैं विधायक नहीं दे दूंगा तो कम से कम 2 महीने में प्रोसेस होकर कैमरा लगेगा। मैंने CSP साहब से बोला है मैं अपनी सैलरी के अंदर उसके वहाँ पर कैमरे लगवा सकता हूँ, मैं लगवा दूंगा वहाँ पर लाइट लगवाने के लिए। भी चर्चा हुई है, मेरी उनसे यही बात हुई और हम लोगों ने सबसे स्पष्ट बोला है, हमने CSP साहब से ही बोला है, SP साहब से, एडिशनल SP साहब से ही बोला है कि वहाँ शराब नहीं बिकने देंगे, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, कमिश्नर सिस्टम लागू है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। वहाँ पर धड़ल्ले से ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी पुलिस वाला भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी आड़ में ही हो रही थी सब।